हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भाभा पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैं एक धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप इसे कोशिश करने में हल कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जो देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 2:3, ठीक है। और ए का यहाँ पर समय दिया हुआ है, तो बी का समय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न कभी भी दिया हुआ हो तो क्या करना है, सबसे पहले बी का यदि पूछा जाए तो ए का वैल्यू यहाँ से लेंगे, ठीक है। जैसे हम देखिए बी का वैल्यू पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ए का वैल्यू ले लेंगे, तो ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। और नीचे जितना रहेगा उतना लिख देंगे, यानी कि 3, और गुणा अब देखिए कितना है, ए का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि 36। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 3 से हो गया 12, 12 में ये हो गया 12 × 2 = 24, यानी कि 24 दिन हो गया आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें मैंने 3 टाइप का प्रश्न लिया है, तो देखिए और भी क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कार्य क्षमता दिया हुआ है 20% कम हो। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे रेशियो में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए और बी, ए और बी यहाँ पर क्या कहा, एक कार्य क्षमता से 20% कम है, एक कार्य क्षमता से बी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी होगा, एक कार्य क्षमता बी से 20% कम है। तो देखिए बी से 20% कम, यानी कि बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 80, यानी कि यहाँ पे वैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 20 × 80 = 100, यानी कि 4:5 हो गया, ठीक है। अब फिर पहले जैसा हो गया, अब देखिए यहाँ पे बी का टाइम दिया हुआ है तो ए का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम पहले वाला चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए का पूछा जा रहा है तो बी वाला वैल्यू लेंगे ऊपर, यानी कि 5 ऊपर और 4 नीचे, और गुणा कर देना है जो वैल्यू दिया हुआ है उससे, यानी कि 40 है तो 40 यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी 4 × 40 और 10 × 50, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 दिन हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए और बी, ठीक है, ए बी से 3 गुना, तो ध्यान दीजिएगा बी से 3 गुना, यानी बी 1 है तो ये है 3, ठीक है। यदि बी किसी काम को 27 दिन में करे तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बी का समय दिया हुआ है तो ए का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर फिर सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ए का पूछा जा रहा है तो बी वाला वैल्यू लेंगे, यानी कि 1 को ऊपर और दूसरे वाले को नीचे, यानी कि 3 हो गया, और गुणा कर देंगे जो वैल्यू दिया हुआ है उससे, यानी कि 27 दिया हुआ है तो 27 से गुणा कर देंगे, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, 9 × 1 = 9, यानी कि 9 दिन यहाँ पे हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।